अब तकरीबन 5 आदमी थे हम, तो ये सारे पुलिस वाले भागे हैं, अभी बाकी 1.5 लाख पीछे आ रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि इस्लामाबाद कौन सी रुकावट हमें रोक सकती है। अच्छा, तमाम रुकावटें आप उबूद करके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपके ख्याल में जो हारून पुल की रुकावट थी, ये सबसे बड़ी रुकावट समझी जा रही है या आगे भी रुकावटें बड़ी हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? खतरनाक और मुश्किल रुकावट जो था ना वो ये था। अच्छा, इसके बाद जो है बुरहान की है वो मुश्किल है। अच्छा, मगर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये रुकावटें हटाने के लिए क्या आपके पास बंदोबस्त है? हमारे पास सब शावल है, सब कुछ है, ब्लेड है, हम उठाएंगे, ये किस लिए है ये? तो आप अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है आए, तो क्या ये खतरनाक नहीं है कि सूरत हाल शेलिंग हो रही है और जो जो है वो पथराव भी हो रहा है और काफी डेंजरस सिचुएशन है। साहब ने कहा कि गुलामी से बेहतर मौत है। अच्छा, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आंसू गैस और शीलिंग से बचने के लिए ये नौजवानों ने मास्क के साथ लिए। अच्छा, शेल को पकड़ने के लिए ये इन्होंने ये ग्लव्स भी, ये भरपूर तरीके से तरीके इंसाफ के कारकुन जो है पठान भाइयों पर बरसाए, वहाँ जो है शेलिंग भी किए और लाखों की तादाद में शेलिंग भी किए और गोले भी बरसाए, 12 बोर के शेल भी फायर किए हमारे। जी नाज़रीन, ये तो जी बिल्कुल जो काफिला